Ulu Baming Assembly Loga Aroga Eben Sentapo Group Perdung Bengo Deas of Chantek Wendy बहुत खुशी का दिन है और इतना बड़ा गैदरिंग में यह भी ग्रुप पुरदुंग के लिए यह फर्स्ट पहला कदम है. ग्रुप पुरदुंग अगो अकेम प्रीमो अगो संगमो अगो गंगमो ग्रुप पुरदुंग अपना को मानता है. ग्रुप पुरदुंग एक दिल का राजा है. मैं आप लोग को कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, गुरु किसी को धोखा देने में एक मचिस क्रांति का भी वो कीमत नहीं आएगा. हम किसी को धोखाबाजी नहीं करेगा. धोखा चीज को मेरा सबसे पहला धोखा चीज को नफरत करता है. जो भी हम बोलेगा अपना दिल का बात बोलेगा. नी के गो है गम है लोंगसा हो है लोंगसा अल्प है लोंगसा लोन संगो ये दो दो. लेकिन ग्रुप पुरदुंग में विश्वास करो हो म्यंगजंग तो ग्रुप का बेंदा बसो से होंदा. कभी भी गमनी गम सीधला लपे ईमानदार से लीडर समझा पे ईमानदार से संतना दुई नंबर लीडर कभी भी नहीं बनेगा. एक
कुमार भाई वो कोई दुश्मन तो नहीं है, ये राजनीति है, हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है। आपको 15 साल न्यंगो तो एक नोगा संचा लोगा आधा जिंदगी है। न्यंगला न्यंगो व संतनो है पेनो गवर्नमेंट पमनो चला दूंगा पावरफुल अकिनो गम बेना लोंसा हो लोंसा हबोर नाम नो अतोबो नो तंकाम तवेम पोयोंतनो बिल्डिंग तसंग में कौजिम पोयोंतनो वो पब्लिक में पोमो कोगा वो सेंटिमेंट से आज हम एमएलए लड़ रहे हैं। मेरा कोई सपना नहीं है कि वो एमएलए बन के वो एमएलए संतनो वो होंदंग बिल्डिंग रहने देवो वो एमएलए संतनो वो होंदंग संगलो संदे मेरा कोई सपना नहीं है। वो का एक सपना है हर कोई एमएलए करने वाला यही सपना होता होगा कि हमारा सामने में मेरा ब्लेसिंग से वो का मदद लो वो सकी लोगा वो निकम फंगो है वो का आजे अपंग है अला वो अगुरे बनेंगला अला वो संगड़प जिंगड़प बनेंगला वो का एक सपना है कि वो का संचांग जंचांग आजे अपंग में बरोबर में वो का देखते हुए बढ़ता हुआ चीज को हम देखने दिल है में चकम दोंग ने कौजो में वो आदमी है ग्रुप पर दोंग ऐसे दिल से दृढ़ करने वाला आदमी है। हो न मानो मोगा अबंग बरों वाने न्याफंग मानो कौन तो अकल कमर में 15 साल को एमएलए बीना है मोगा पक्के नो बामिंग पक्के बामिंग 12 किलो तो 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर को नोगा पक्के नो केने वाने 12 किलोमीटर में 15 साल सोसो नोगा रंजो मोमो में क्या मानो और 20 साल इंतजार करना है क्या 12 किलोमीटर को 20 साल इंतजार करेगा पब्लिक बोलो। आप लोग को हम वादा करता है एमएलए जितने का साथ साथ उसको हाईवे का स्टैंडर्ड पक्के नो बामिंग माने में नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रुप पर तो 5 साल का अंदर में अगर वो नहीं कर नेक्स्ट में वो मांगेगा भी नहीं वोट। हम अपना से कहां कहां में कॉन्टेक्ट सेंटर करके भी वो रोड को बना के दिखाएगा आपको उसमें पके और बामिंग 12 किलो में पीएमजेएसवाई का प्रोजेक्ट गया एनएलसीपीआर का प्रोजेक्ट गया नाबार्ड का गया इतना प्रोजेक्ट और नोगा एसपीए का पैसा गया इतना प्रोजेक्ट हद वो प्रोजेक्ट मलक दूं तंका में माल काम रमो इंजीनियर में डिपार्टमेंट में बैलक तो तंका नोमे दूं काम क्वालिटी हो कमो हबो रबो एमएलए में बार बार देना अख्यमला बीबाने ला पब्लिक का लोकसन था ना होगा मनुगा पके नो केनेवा मनी मोटरसाइकिल ले पुनी को फरले रहा दो और गाड़ी पुनी फरले को दो कमो तो नो काम क्वालिटी में नो नो हमें मानो पब्लिक ना मानो मियंगला दे बोला के कि कबूंगा लंबे वो मपाना नोगा कैसे करके नोगा मनुगा एरिया डेवलपमेंट कैसे होगा कलो लोगा नोगा केनेवा एरिया का 3 साल अतुक होगा डिमांड मरब करना कि मर्जंगले ब्रिज में अकुन मर्जंगले ब्रिज में मबानंगला होगो तो लोकसन मों पको आए पब्लिक नो बैंक तो मर्जंगले ब्रिज में मबानंग क्या हंगनु का एमएलए का लोकसन रे ऐसा कुछ तो लोकसन नहीं है। मर्जंगले ब्रिज में वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर में ऑलरेडी वो डिस्कशन कर चुका है और अगर पॉसिबल आरोंगो सो रैली सो सो मैं पॉसिबल दो बनला वो अनाउंस भी पक्का करेगा मर्जिंगला ब्रिज को वो मेरा सेकेंड प्रायोरिटी है।
मर्जिंगले ब्रिज है पक्का पक्का ब्रिज पक्का वो बनाएगा वो एरिया में डेवलपमेंट में दे वो नंबर वन नोगा पक्के बामिंग रोड नंबर टू पक्के केनेवा रोड नंबर थ्री मर्जिंगले ब्रिज नंबर फोर तालों में अतरों से एक ब्रिज बनाएगा नंबर फोर आपको एरिया का डेवलपमेंट में एरिया का हित के लिए लीडर सपना देखना चाहिए जो लीडर सपना नहीं देखता है वो सिर्फ पैसा गिनने का वो हमेशा सोचते रहेगा गुरुपुर तुम एक ऐसा सेटिस्फाइड से काम करेगा सोचने वाला आदमी है और लोगों का अब फंग मन में एक और एक दो बात गंगो का मुझे बेहद आता ना एमएलए का एमएलए को में मानो बूट लग दो और एमएलए में सरकार तंका भी दो धर्मा वो स्लो वो अनाउंस करता है वो का धर्मा में एमएलए का धर्मा में वो मेडिकल अच्छी आया होगा हम कमिटी बनाता ना वो धर्मा में लदा तो लोग कमिटी आनी गो बामिंग सो आनी गो केनेवा तो लो आनी गो कमिटी बना तो नो गए एम एल ए धर्मा में वो मेडिकल खर्चा ना दे वो वो डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट खुली तो ना ट्रांसफर में भी था ना और इसका बाद मानो क्या गो एम एल ए धर्मा हदा क्या छह धर्म और एम एल ए लेट्स एम एल ए लेट्स बेना एम एल ए में साल दो तीन करोड़ भी दो होगा एम एल ए लेट्स 50% एम एल ए लेट्स में वो एडुकेशन एडुकेशन सेक्टर में नो ही का काम है हम पूरी रिन्यू राम वो क्योंकि वो क्लास 10 पास 12 पास पूरी रिन्यू राम कमो पता चे सु अब टिकता राम होगा वो 50% एम एल लेट्स में वो कमिटी का अंदर में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा वो आप लोगों को वादा करता है अगर वो होगा जो होगा वादा को वो अगर मर्द ना बेबा नंगला नेक्स्ट आने वाला में तो मनोगा सामने में वो ऐसे वो दो अलेंगे पेड़ वो डायरेक्ट मेरे कमिटी का पास में जाएगा और ना अब वो आने यहाँ फंग मोगा युवा मनोगा हमांगा मोगा पुरी जितना समाज से पुरी लोग अच्छा से सुनिए मोगा मीजी लोग अच्छा सुनिए मोगा आफियर मना बोझ कम फंगो बरोबर में आला बता तो मनोगा जितना जो मनोगा हमां हपे ना बो आफियर में पब्लिक नोगा एक ही हथियार है हथियार बना हुआ मनो मर्तों सौंके हो दोना मनो करु लीडर में मनो हरा देवो मनो मपो देवो मनो का मर्तों सौंके हगो है मनो चेरे मनो मर्तों सौंके है मनो खराब लीडर हद को संपा का वो लीडर में मनो हगो पर न्योरम क्या अब्दुल्ला पैगोर न्योरम मनो हमें सबक सीखा देवो और पोलिंग लगने में मनो मर्तों सौंके है लाने पुके लाने पे नंगफिया तक तो वो मनोगा एक ही हथियार है हम नंगफिया मौसूत नो मनोगा बेलू खत्म हो जाएगा इसलिए मनोगा आतोगा हथियार रकोयो पाकोयो मनोगा बीजेपी है करप्शन फ्री एक नरेंद्र मोदी का एक लीडरशिप में एक किरण रिजिजू का लीडरशिप में एक पेमा कांदू जी का लीडरशिप में एक तापिर गाव जी का लीडरशिप में हम लोग क्लीन एक पॉलिटिक्स खेलना चाहता है लेकिन कम होना चाहिए बिल्डिंग होना चाहिए ब्रिज होना चाहिए वो नहीं करके उसमें तो क्या हिम्मत से मैंने करता है लोगों हम उसको ऐसा लोगों को हम गिना लगता है हम तो बकिया के संग बोला है उस दिन मीटिंग में भी हम समिंग एक बैग भी नहीं कहेगा सीबीआई लगा हमको समिंग एक बैग भी नहीं कहेगा हम जो भी करेगा मैं हम लोग अपना पैसा से करेगा
इलेक्शन जो लड़ता है अपना से होगा वो मौका अपील है बामिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अच्छा लोग है, कितना अच्छा लोग है, कितना लिखा पढ़ा ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, एजुकेटेड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बामिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा डेवलप बॉर्डर एरिया का है, अच्छा डेवलप आना चाहिए। काफी पैसा आता है, इंक्वायरी करने से बहुत पैसा आता है। शुरू से बिगिनिंग से देखो कहाँ कहाँ गलत है हम लोग, हमको भी इंक्वायरी करो कहाँ में हम काया पैसा आटके निकालो, ऐसा करके कीजिए। इसलिए मानो आज जो भी आया है ये काओ ग्रुप को इलेक्शन में विन होने के लिए, इलेक्टेड होने के लिए यह आया है पूरा। हम लोग हम तो वोटिंग राइट भी नहीं, हम इतने अपील करता है आप लोगों को, एक जो आपका जो जितना भी स्पीकर है बोला है, एक्सप्रेस किया है, एजिंग में बोला है, जो हम सुन चुका है, और हम अपना से पर्सनल जो हमारा हमको जो बरोबर में लाभे यूनियन लाभे आरम आसान लाभे कौशंग टाइम वो गुलो गुलो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बमिंग कॉन्स्टिट्यूशन का बरोबर में लदा सर्कल का हो, बमिंग सर्कल का हो, किनेवा सर्कल का हो, हम अपील करता हूँ काओ ग्रुप को वोट डालने के लिए। बरोबर में ही नो महिला पे लगते का गो बहिमा मन अलगा साथ में है, तो किसी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इतना कमजोर नहीं है ग्रुप, इतना कमजोर नहीं है ग्रुप का सोर्स भी बहुत है, अपना रिसोर्स भी है, तो अपना वो भी कम वापस आप है, पार्टी भी देगा। अब चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कितने कैसे कमजोर होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्रित नारायण आरोप सबसे तगड़ा वाला केंद्रित होगा, मैं ये मेरा वादा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर लदा जाएगा, बामिंग जाएगा, खिलेवा जाएगा, टंका पे भी तरह सब पे पाबी तरह नौकरी भी देगा, तो ग्रुप हारने का कोई चांस है नहीं है। बामिंग कंस्टिट्यूंसी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन इसलिए है कि 15 साल का बाद एक लीडर चेंज करने का एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। सिंह मनो सिंह लीडर में चेंज यो कमो बने, मनो बोल रहा है हम लोग इतना दो दो है, आप लोग बोल रहे हैं कि इतना मॉर्गेज रखा है, आप लोग बोल रहे हैं कि इतना कमीशन मांगता है, अगर ऐसा कोई लीडर है अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना समाज में, अपना देश में, अपना स्टेट में, मानो अगर चेंज तो मंगबने सिंह मानो एक मौका है। हम लोग इतना यहाँ बामिंग का जो लीडर लोग हमारा फार्मर आज प्रेसिडेंट कांता भाई लोग से लेके सब लोग मिलके इस बार हम लोग ने निर्णय लिया है, सिलेक्शन मकना ही जा मैं कहीं पा ही जा कमर में हरा कहीं पा ही मतलब न हरा कहीं पा कहीं ना गनू का मकम मपा बैंकम बैंकपा लगना है ब्रो ग्रुप प्रदुंग में गनू सिंह एमएलए संगो दे वो मलक पा अलग अपने अवा लोग अपने अन्या भी लग पा अन्या बैंक लग पा होगा वो चोची वो पॉइंट ना सब तपा देना। निगम लीडर कोई भी पॉलिटिक्स लीडर नो या कोई भी ऑफिशियली लीडर नो ऑफिसर नो इम्पोर्टेंट नो देना, निगम लीडर को क्यों नहीं पूछता है, ये मेरा एक सवाल है। निगम लीडर को बताओ मो देना मानो पॉलिटिक्स सौंक तो अगुआ रख लो निम पोंगो हर गो भी हम गो रामो ने निगा नो नील होगा निगा नो गाम गा बो धूमिंग तना ड्रम तंग जी गा रे को बैंक को तलो निम पोंगो मेन लाइन मो बने निगा नो रे ड्रम दुंग तना नहीं होगा। इसलिए कोई भी पार्टी या कोई भी लुंकी जगह गला निगा नो बोर्ड नो पे लाचम पुगो ते बाने निम लुपी पुगो ते तना नो निगा का बेना अनी तला योरम। इसलिए होगा लीडर का दुना मोबाइल दुना हर जगह ला मानो पार्टी बजेगा लुंकी का रिकोला ऐसे नो निगम लीडर को इज्जत भी देना, निगम लीडर को हुकुम लगा मियंगना बे नाम बे गाबो गाम गाबो पियू पता तागत मकम बात का स्लो स्लो बापो दे बोला गे स्लो वलु बापो ने को मम नंग संगोता नी का बेटा वीर बने संगोता नी का काओ बो संग्रेन संदर लाग रहता ना हो वेना संगोता नी में गा युवा खत्म न करना अलूगा अबो जेसु जे क्रिस्तान ये गले ले कलो प्रे प्रार्थना रखना निबुए मले कलो संगो तानी सर मारो दो कमो हब कलम 2019 आलो खत्म दियो मंग बनंग चांग ता जोगा
Sejonga, Bananga, Papuveliga, Pipuga, Sawanga, Gawe Puranga, Malang Malang Bangnaga, Namengo Kumdanaka, Rikos Madanaka, Babanya, Bakabamingo, Taladango, Takinevango, Taparekamoka. Mana bang targa targa gelau dopa, beji negelak bamba ka. Mana kau teka, bamingga tasen ketemku, miongko ketemku. के जनरल ग्राउंड जहां गोरख प्रदुंग 8 बामिंग से कमिंग अप 2019 के इलेक्शन में उतरने वाले हैं कुमार वाई के अगेंस्ट में. और जैसे कि आप देख सकते हैं हम मेरे यहां इनके जो गोरख प्रदुंग है उसके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग यहां आए हुए हैं. और हम यहां के जितने लोग हैं उनसे चल के जानते हैं कि वे क्यों गोरख प्रदुंग को सपोर्ट कर रहे हैं. आप कहाँ का गाँव बोल रहे हैं? हम प्रदुंग है. आप कहाँ का गाँव बोल रहे हैं? खंडवा का कंबुरा है. और आप यहाँ पे गोरख प्रदुंग का आप सपोर्ट करने आए हैं ना, बस यहाँ प्रोग्राम को अटेंड करने? हम गोरख प्रदुंग को सपोर्ट करने के लिए आ गया है. तू तो नहीं नाइन में, हम गोरख प्रदुंग को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है. आप जैसे कि आपका अभी MLA कुमार भाई है ना? हाँ, पहले तो आप क्यों कुमार भाई को छोड़ के गोरख प्रदुंग को सपोर्ट कर रहे हैं? गोरख प्रदुंग को हम सपोर्ट करते हैं. गोरख प्रदुंग ताकत है, काम करने के लिए हिम्मत है, इसलिए सपोर्ट करता है. कि आज गोरख प्रदुंग का यहाँ पे कैंडिडेचर डिक्लेरेशन प्रोग्राम कम रैली चल रहा है, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने आए हो या एक एज ए सपोर्टर आए हो? आज जो सपोर्टर के लिए है, क्योंकि हम इस 15 साल पहले हम स्टूडेंट ही था और केनेवा मिडिल स्कूल में पढ़ाई किया है, सेकेंडरी बामिंग में पढ़ाई किया है. तो अभी तक अभी जो 15 साल का बाद जो अभी जो देखा है, जो मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जैसे भी नहीं चल रहे हैं. और आपको बामिंग का सेकेंडरी स्कूल है, अभी जो प्राइमरी स्कूल जैसे भी नहीं चल रहा है. स्टूडेंट अभी मान लो 5 से 10-15 से बच्चा लोग रहता है, जो उसमें उस समय में 9-10 का स्टूडेंट रहता था. अभी 8 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं होता. आप यहाँ जो गोरख प्रदुंग जो आज MLA कैंडिडेट ना डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम में आप ऐसे अटेंड करने आए हो या आप सपोर्ट करने आए हैं? हम गोरख प्रदुंग को सपोर्ट करने आया है. गोरख प्रदुंग. और आप कौन सा, जैसे बामिंग से ही हो लेकिन कौन सा बस्ती से हो? जम्मू का. हम लोग जो इसको हम लोग उसको ये क्या बोलते हैं, गोरख प्रदुंग को सपोर्ट देता है, माने अच्छा लेदर होगा बोलते. अभी हमारे साथ 8 बामिंग के कुछ औरतें और लड़कियां हैं, चलिए उनसे जानते हैं वे क्यों गोरख प्रदुंग को सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे कि आप लोग यहाँ जो गोरख प्रदुंग का MLA डिक्लेरेशन प्रोग्राम है, तो ऐसे डांस करने आया ना, ऐसे सपोर्टर आया है? हम लोग ये गोरख प्रदुंग का हम लोग सपोर्टर के लिए आए हैं, क्योंकि वो अभी हम लोग नया MLA को हम लोग अपना एरिया में हम लोग उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अपना MLA अपना एरिया को डेवलपमेंट करना चाहते हैं ना, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग गोरख प्रदुंग को सपोर्ट करके अपना ये एरिया को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये गोरख प्रदुंग के लिए हम लोग वही सपोर्टर करने के लिए आया. ये कमर भाई जो कितना बन चुका है ना, वो सपोर्ट वो साल ये बन ये दिन जो बन चुका है, अभी नया वही हम लोग वो चेहरा दिखना चाहते हैं ना गोरख प्रदुंग के लिए. गोरख प्रदुंग अभी बनना चाहना है, बनना है वो नया MLA के लिए ना. हम लोग भाई है ना, भाई है वो, क्योंकि गोरख प्रदुंग इतना अच्छा है पब्लिक के लिए, वो कितना अच्छा है. आशा करता है गोरख प्रदुंग जीतेगा. हम लोग गोरख प्रदुंग को सपोर्ट करने आया है. एक्चुअली हम यहाँ अभी गोरख प्रदुंग का स्ट्रांगली एक सपोर्टर है, और यहाँ का जितना भी इंचार्ज है, जो ओवरऑल यहाँ जो इंचार्ज हम ही करा रहा है जो लोगों को. और एक्चुअली इस बार हम इतने वो है, हम 15 ईयर्स से कुमार भाई का एगेंस्ट में है. एक्चुअली इतने एगेंस्ट है, वो एक ऐसा इंसान है जो गरीब आदमी को पसंद नहीं करता, सिर्फ अमीर आदमी को ही अच्छा करता है. और जो गरीब आदमी जो अगर लाइन में कराएगा, तो उसका घर का अंदर में CCTV रखा हुआ है. बस जो अमीर आदमी को लिस्ट बुला के सिर्फ बुलाता है, और जो आदमी फॉर्चुनर पकड़ता है, जो आदमी स्कोर पे उसको ही बुलाता है. इसलिए वो आदमी को उसी कारण हम बिल्कुल पसंद नहीं करता है. मेरा एक मोटो है, जो आदमी गरीब को अच्छा नहीं करता है उसको हम अच्छा नहीं लगता है. इसलिए ये कुमार भाई एक ऐसा एक मिनिस्टर है, MLA है, जो हम लोग का यहाँ में चुना हुआ है. जो पहले हम लोग का बामिन में सेकेंडरी स्कूल था, जब आज से 20 साल पहले सेकेंडरी स्कूल था, अभी हम लोग का बामिन में प्राइमरी स्कूल है. और हम लोग का बामिन में आज से 10 साल पहले बस चलता था, अभी हम लोग का बामिन में अभी बस चलने का लाइट भी नहीं है, बस ही नहीं चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस. और हम लोग का बामिन में पहले मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल था, और अभी यह मेडिकल भी नहीं है बामिन में.
तो ये एक अच्छा लीडर नहीं है, ये अच्छा एक अच्छा लीडर हम आज बहुत अच्छा लगा कि हम कुमार भाई के अगेंस्ट में आज तक 15 साल तक उसका अगेंस्ट में हम कुमार भाई के अगेंस्ट में करा है, तो हम एक अच्छा लीडर को अभी और चुनना चाहता है, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि ग्रुप प्रदुंग उससे 100 गुना बेटर है और अच्छा है, इसलिए हम ग्रुप प्रदुंग को इस बार चुने। जैसे कि सर आपने कहा कि जो सिटिंग MLA है उन्होंने अभी तक डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया, तो आप बता पाओगे कि आप किस तरीके से आप क्या चीज़ को मतलब प्रायोरिटीज देने वाले हो आप अगर बनते हो तो? सर देखिए, मैं अगर पब्लिक हमको चुनाव मतलब हमको चुनता है तो मैं सबसे पहले मेरा एक रोड कम्युनिकेशन का उसको मैं सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा, और उसके बाद हमारा देखिए एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी प्रॉपर आपको ये नहीं है कि एक कंस्टिट्यूंसी में इतना 15 साल के बाद भी एक कंस्टिट्यूंसी में हमारा कोई सेंट्रल कोई स्कूल नहीं है, और प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वे से नहीं है, वो हमारा ये एजुकेशन सेक्टर होगा और हेल्थ सेक्टर मेरा एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, हेल्थ सेक्टर कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर होगा, और उसके बाद आपका ये एजुकेशन हेल्थ सेक्टर होगा। तो आपको ये हम काफ़ी मेहनत करना होगा कि हम चुनाव जीतने से भी, और अभी तक हमारा स्टेट का होम मिनिस्टर है और प्रॉपर वे से कहीं भी मैंने डेवलप नहीं किया है, तो उसको पब्लिक के सेंटीमेंट को लेके मैंने डिसाइड किया।